भारत की महान पौराणिक कथाओं का संग्रह। सब्सक्राइब करें भक्ति कथा। जप तप व्रत। मैं श्रद्धा हूँ, जीवन के विभिन्न रंगों में भक्ति का स्पर्श करवाने वाली श्रद्धा हर मन को प्रभु भक्ति की ओर आकर्षित कराने वाली श्रद्धा। मैं श्रद्धा हूँ। तब महादंड नायक श्री हरि ने शुक्रदेव को बहिष्कृत कर दंडित किया। उधर वैकुंठ के मुख्य द्वार पाल जय विजय को श्री हरि के अंशावतार चारों बाल ऋषियों द्वारा शाप का भागी बनना पड़ा। गृहपति सूर्य देव की घोषणा से उत्तेजित शनि देव ने अपनी महानता का बखान करते हुए महासम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। ये भूल है अथवा नहीं, इसका निर्णय तो समय करेगा सूर्यदेव, किंतु अब मैं आप लोगों के साथ कदापि नहीं रहूंगा। पुत्र शनि। हाँ सूर्यदेव, हाँ। अब मैं मानवों, दानवों और देवताओं को भी अपनी शक्ति का परिचय दूंगा, अपने तेज के सम्मुख सबको झुका कर रख दूंगा। मैं शनि हूँ, शनि। पुत्र शनि। महासम्मेलन की सभा कक्ष में उपस्थित गणमान्य एवं पूज्य महानुभवों, मेरे पुत्र शनि देव के दुर्व्यवहार का उत्तरदायित्व मुझ पर है। संभवतः सारे संसार को प्रकाशित करने वाला सूर्य स्वयं अपने पुत्र शनि को शिक्षा एवं संस्कार से प्रकाशित न कर सका। दोष मेरा है, इसी कारण क्षमा भी मैं ही मांगूंगा। आप सब महान हैं, दयालु हैं, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। आप व्यथित ना हो सूर्यदेव, हुआ वही जो होना था, ये घटना इसी प्रकार ही घटनी थी। किंतु जाते जाते शनि हमें संकेत देकर गया कि वो अपने स्वभाव के अनुसार अपनी शक्ति का दुरुपयोग संसार के निर्दोष प्राणियों को भयभीत करके ही करेगा। शनि के दुष्प्रभाव से संसार वासियों की रक्षा कैसे होगी परमपिता? जगदीश्वर श्री विष्णु, देवाधिदेव सदाशिव तथा त्रिदेवियों की आराधना से शनि तथा राहु जैसे अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभाव का अंत होगा। अतः इस क्षण से हम सबका कर्तव्य बन जाता है कि हम संसार के वासियों को संदेश दे कि वे जप तप और व्रत का आचरण करके अपनी रक्षा कवच बना ले। नारायण नारायण। हे जगदीश्वर, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक निवेदन प्रस्तुत करने का इच्छुक हूं। देवर्षि नारद, तुम इस महासम्मेलन के संयोजक हो, तुम्हें आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। नारायण नारायण। महासम्मेलन सभा में उपस्थित सभी ग्रह देवताओं को आज इस बात का आश्वासन देना होगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सरस्वती, महालक्ष्मी और पार्वती की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करने वालों की सभी ग्रह पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। ऐसा ही होगा। जप तप और व्रत द्वारा त्रिदेवों और त्रिदेवियों की भक्ति करने वालों की निश्चित ही हम सहायता करेंगे। त्रिदेव श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश
और त्रिदेवियां माता सरस्वती, माता महालक्ष्मी और माता पार्वती की जय जय जय। महर्षि भृगु, आपका पुत्र भार्गव शुक्रदेव शुक्राचार्य बन गया है, दैत्य गुरु बनकर लौटा है आपके पास। पुत्र शुक्र, तुम्हारा यह वेश, यह परिवर्तित रूप? हाँ पिताश्री, मैं अपना गृह रूप वैकुंठ लोक में ही छोड़ आया हूँ। अब शुक्र के इस शरीर में शुक्र की आभा तो रहेगी ही, परंतु आत्मा नहीं। अब शुक्राचार्य इसी आश्रम में रहेगा पिताश्री, और पाताल लोक के असुरों का आवाहन करके उन्हें अपूर्व शक्तिशाली बनाएगा। मुझे आशीर्वाद दे पिताश्री कि मेरी कामना सफल हो। पुत्र, तुम्हारी कामना तभी सफल हो सकती है जब तुम भगवान शिव की आराधना करो, भक्ति करके उन्हें प्रसन्न करो। प्रसन्न करूं? पिताश्री, भगवान शिव भी ब्रह्मा और विष्णु के समान देवताओं के पक्षपाती बन गए हैं। नहीं, कदापि नहीं। हम अपने आराध्य भगवान शिव के विरुद्ध एक शब्द भी सुनने के पक्ष में नहीं। यदि तुमने असुरों की आसुरी वृत्ति को उत्तेजित करना ठान लिया है तो हम इस आश्रम में नहीं रहेंगे, वन में तपस्या के लिए चले जाएंगे। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करें। शनिदेव, धन्य हो शनिदेव, आपने त्रिदेवों के एक अधिकार चाटुकारिता करने वाले ग्रहों को चुनौती देकर मुझ राहु को प्रसन्न कर लिया। शनिदेव, आपके इस साहसपूर्ण कार्य को देख मैं सदा सदा के लिए आपका दास हो गया। किंतु किंतु क्या राहु? किंतु इन देवताओं, विशेष रूप से विष्णु के छल से आप सावधान रहे। राहु, शनिदेव को किसी के छल से सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है, अपितु शनिदेव के शत्रु स्वयं शनिदेव की कुदृष्टि से सावधान रहते हैं। तुमने उचित समय पर उपस्थित होकर मेरे गौरव को प्रोत्साहित किया है, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं कि संकट पड़ने पर मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मैं स्वयं सूर्य और चंद्रमा के अस्तित्व के लिए संकट बना हुआ हूँ शनिदेव। समुद्र मंथन के समय विष्णु ने सूर्य तथा चंद्रमा के संकेत पर देवताओं तथा अमृत की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र से मेरा मस्तक धड़ से अलग कर दिया था। उसी समय मैंने प्रतिज्ञा की थी कि समय समय पर सूर्य और चंद्र को ग्रस कर उनके तेज को खंडित करता रहूंगा। मैं तुम्हारे साहस और पराक्रम से आप परिचित नहीं हो रहो। यदि हमारे साहस और पराक्रम को आपकी भी कृपा प्राप्त हो जाए तो इस संसार पर हमारा एक छत्र साम्राज्य होगा। ये तो अब निश्चित हो गया रहो कि शनिदेव अब अपने पिता और देवताओं का पक्ष छोड़कर स्वयं अपनी विनाशक शक्ति का कीर्तिमान स्थापित करेंगे। शनिदेव, यदि आपकी विनाशक शक्ति की कृपा हम असीम शक्ति संपन्न असुरों को प्राप्त हो जाए तो दुष्ट देवता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। इस महान कार्य के लिए आपको दैत्य गुरु शुक्राचार्य से मित्रता करनी होगी। मित्रता, प्रेम, दया, ये शब्द शनि देव के शब्दकोश में है ही नहीं। मैं शनि हूं शनि, किंतु हाँ, दैत्य और दैत्य गुरु को मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। महासम्मेलन में दैत्य गुरु के साहस ने मुझे अति प्रसन्न किया है, इसी कारण मैं स्वयं उन्हें कृतार्थ करने उनके आश्रम में पधारूंगा। हाँ।
स्वार्थी राहु भाग्य विधाता शनिदेव से दैत्यों और दैत्य गुरु पर कृपा का आश्वासन पाकर प्रसन्न हो उठा। कारण कि राहु जानता था कि शनिदेव और शुक्राचार्य की भेंट तीनों लोकों पर अधर्म तथा अन्याय रूपी दैत्यों का शासन स्थापित कर सकती है। दूसरी ओर परम पिता ब्रह्मा जी द्वारा इच्छा शक्ति से जन्मे महाराज मनु और महारानी शत्रुघ्न ने पृथ्वीलोक पर धर्म तथा न्याय का शासन स्थापित किया। मनु की जय। पृथ्वी महारानी परम हरि भक्त देवी शत्रुपा की जय। युवराज प्रियव्रत तथा राजकुमार उत्तान पाद की जय। ॐ नमो नमो नारायणाय। प्रणाम देवर्षि। पृथ्वी लोक पर आपका स्वागत है। नारायण नारायण। महाराज मनु, भगवान विष्णु के अंशावतार चार बाल योगियों सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ने जप तप व्रत के जिस महत्व को पृथ्वी लोक पर प्रचारित किया उसका भविष्य आप ही के हाथों में सुरक्षित है। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। मनु महाराज, आप पृथ्वी लोक के प्रथम पुरुष हैं। इसी कारण मानव मात्र आपके विचारों कार्यों का अनुसरण करेगा। अतः जप तप और व्रत को कार्य रूप और गति आपको ही देनी है। नारायण नारायण। मनु महाराज, आप पृथ्वी लोक के प्रथम पुरुष हैं। इसी कारण मानव मात्र आपके विचारों कार्यों का अनुसरण करेगा। अतः जप तप और व्रत को कार्य रूप और गति आपको ही देनी है। नारायण नारायण। देवर्षि, आज तक मैंने धर्म पूर्वक प्रजा पालन का कर्तव्य निभाया है। अब मैं और देवी शत्रुपा राजपाट को त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के इच्छुक हैं। नारायण नारायण। मनु महाराज, आपने वानप्रस्थ आश्रम में जाने का निर्णय लेकर मेरा पृथ्वी लोक आना सार्थक कर दिया। निसंदेह आपके इस कार्य से न केवल जप तप और व्रत को प्रोत्साहन प्राप्त होगा अपितु मानव मात्र को अपने जीवन का एक नवीन अध्याय दिखाई देगा। आप धन्य हैं मनु महाराज, आप धन्य हैं। युवराज प्रियव्रत, अब आप पृथ्वी लोक का सिंहासन संभाले और अपने माता पिता को सांसारिक जीवन के उत्तरदायित्वों से मुक्त करें। कदापि नहीं देवर्षि नारद। राजपाट संभालने की अपेक्षा आप मुझसे न रखें। युवराज प्रियव्रत, ये आप क्या कह रहे हैं? देवर्षि, मैंने अपने महान पिताश्री की इच्छा से युवराज पद ग्रहण अवश्य किया, किंतु आपकी प्रेरणा से जब तब व्रत की महानता का परिचय प्राप्त हो गया है। जिस राज्य को मेरे पूज्य पिताश्री धर्म कार्य में बाधक समझकर त्याग कर रहे हैं, मैं उसको ग्रहण कैसे कर सकता हूं? प्रियव्रत। हाँ माते, आप दोनों के वानप्रस्थ आश्रम में जाने से पूर्व मैं वन के लिए प्रस्थान करूंगा और जब तब और व्रत कर अपने इष्ट भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करूंगा।